हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10:30 हो चुका है और कल का ब्लॉग मेरा मिस हो गया था क्योंकि नामकरण की तैयारी जिस दिन हो रही थी उस दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली और उसके बाद फिर दीदी लोगों को लेने के लिए चले गई, फिर घर आई, फिर ठंडे पानी से नहा लिया तो फिर मुझे कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मतलब नामकरण तो अच्छे से हुआ और उसके बाद धीरे 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 शाम तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल तो मैं बीमार पड़ी थी बिस्तर पकड़ के, तो जैसे ही थोड़ी ठीक होती है उसके बाद सोच रही हूँ थोड़ा घूमने उमने जाऊँगी, बट अभी तो बिल्कुल घूमने लायक नहीं होता है, जुकाम हो रहा है। ऐसी छींक आ रही है, मत गंदी गंदी, मतलब अभी तो फिलहाल नाक नहीं आ रही है। कल सुबह, कल दिन में, कल रात को मैंने स्टीम लिया, वरना मेरे छींकते ही मेरी नाक इतनी ज़्यादा आ रही थी, बट अभी कम है। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर दिखाती हूँ क्या हो रहा है। बाहर बारिश आ गई और वंश बाहर ही था, बाहर तेल लगा रहे थे, अभी सब लोग अंदर आ गए हैं। मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ये देखो वंश को अंदर ले आया है। वंश को तेल लग गया? बारिश आ गई, वंश। हेलो वंश, आया आया आया। हेलो वंश, हेलो वंश, गुड मॉर्निंग। अरे तू बाजी ले रहा है? भाभी के पापा लकड़ी तोड़ रहे। पापा तो पापा समझी ही काम करवा रहा था। अच्छा बारी लग रही होगी एक एक करके तोड़ है। तो पापा की हेल्प कर रहे हैं, पापा की समधी। अब पापा का टर्न आ गया। 1 2 3 गुड। फिर से धूप आ गई बाहर, फिर से वंश को नीचे ले जाएंगे हम। चलो जाओ नीचे जाओ। हाँ हाँ बहुत है ना, कितनी ज्यादा बह रही। दो रुमाल पूरी खराब हो चुकी है, एक रुमाल ये वाली है, एक बाहर डाल दी है धोने के लिए। अरे बहुत ही गंदा सीन हो रहा है और ऊपर से लाइट नहीं है तो कैटल में पानी भी नहीं गर्म कर पा रहे। तो अभी पापा गैस में पानी गर्म कर रहे हैं स्टीम के लिए, फिर अभी स्टीम लूँगी। स्टीम से बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है, नाक थोड़ी खुल गई है कल से। तो यहाँ पानी गर्म हो गया है, पानी अभी स्टीम लेती हूँ आधा एक घंटा। हमारे बगल में जो बेबी हो रखा था वो 1 से 6 दिन बड़ा है। पहाड़ी रिवाज में इसको कहते हैं अच्छा वो बांटना। तो मतलब इसमें ऐसा होता है कि वंश की मम्मी और उधर उनकी बेबी का नाम पड़ा है सागर। तो सागर की मम्मी और वंश की मम्मी एक दूसरे से ना बात करेंगे तब तक जब तक ये अच्छा नहीं बांटते। देखो वो वहाँ से लेके आ गए अपने बेबी को, यहाँ से वंश को लेके जाएंगे। वो कुछ कपड़े वंश को देंगे और वंश की मम्मी कुछ कपड़े वंश के उनको देंगी। तो फिर ये दोनों आपस में बात करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ रिवाज होता है यहाँ पे। अच्छे से मुझे भी नहीं पता है क्या है, बट अभी दिख जाएगा। तो ये वंश को लेके चले गए और वो अपने बेबी को लेके आ गए यहाँ को, देखने में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये है सागर, सागर की मम्मी और सागर और सागर की अम्मा, इनका अच्छा हो रहा है। तो आपको ये पहाड़ी रिवाज रीति रिवाज दिखाई जा रही है, पहाड़ी संस्कृति। एक दूसरे को टीका लगाएंगे।
ये देखो दोनों दोस्त मिल चुके हैं है? ये दोनों दोस्त बन चुके हैं, दोनों की सलाह हो चुकी है। सागर और वंश ये अभी अभी इधर देखो, ये अभी है, ये तंचो कैसे डमडम कैसे बजाते हैं? आपको आता बजाना? जो जैसे धूड़ी उड़ी में जागर वागर लगती है तो ये देखते होंगे, तो उस हिसाब से ये भी लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग मिलके लंच कर रहे हैं। सो गाइस अभी हो गए 5:30 और मैं मम्मी और भाभी की मम्मी मतलब सास माँ हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए नीचे स्कूल पे, जहाँ मैंने 1 से लेके 5 तक पढ़ा है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी उस स्कूल में जा रहे हैं। वो हमारे गांव का स्कूल है, अब पता नहीं वहाँ की क्या कंडीशन है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हुई थी। ये देखो यहाँ पर गाय हाय मुझे बुला रही है, आ ये लो कितनी सारी है, 1 2 3 4 5 वो गाय, वो भी गाय, वो भी गाय, बहुत सारी गाय है। रास्ते में भैंसे मिलानी अब किसके ये नहीं पता पर है। जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे ना उस टाइम पे यहाँ पे एक चक्की थी फौजी लोगों की, अभी बंद हो गई है। और हम पहुंच गए स्कूल पे पंचायत घर। इतना बड़ा ग्राउंड है स्कूल का, उधर से लेके यहाँ तक का, और ये स्कूल की हालत है। इधर आंगनबाड़ी का स्कूल था, कैसे बना दिए लोगों ने, बॉल खेल खेल के सारे बॉल के छाप लगा रखे हैं, और पता नहीं इसके अंदर क्या हाल हो रखे होंगे, दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। छी कितना गंदा कर दिया है। और ये रहा हमारा स्कूल, हाँ इसके तो दरवाजे तोड़ दिए हैं सारे। इसके अंदर क्या दिख लेता है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो यहाँ पे हमारी प्रे होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे सब लाइन पे लगते थे। ठीक है ना, प्रतिज्ञा लिखी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे प्रतिज्ञा लिखी हुई है। ओ भाई साहब, यहाँ मधुमक्खी ने अपना वो बना रखा है, घर बना रखा है। एक यहाँ पर बना रखी है, एक यहाँ पर बना रखी है, दो बना रखी है, और वहाँ पे सामने से चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है, शायद उसने उसने अंडे भी दिए, तो एक चिड़िया उड़ के जा रही थी अभी यहाँ से। और यहाँ मेन्यू बना था भोजन मीनू, तो हमें इस हिसाब से यहाँ पर खाना मिलता था। इतना बड़ा ग्राउंड था हमारे खेलने के लिए, और इसमें ना ये पेड़ है, इस पेड़ में अभी मैं मम्मी से पूछूंगी पेड़ किस चीज़ का है, बट इसमें रुई जैसी निकलती थी। और ये नीचे का गांव, ना खेत बड़े मस्त लग रहा है। एक स्कूल ये था ऊपर हमारा, और ये नीचे तस्वाल का स्कूल था, ये वाला नीचे सामने वाला, ये वाला स्कूल था। और मम्मी लोग वो नीचे गए घूमने के लिए, तो हम भी वहीं चलते हैं। ये स्कूल हमारे इसलिए बंद हुआ क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई लड़ाई करी, उसके बाद यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं था। आई मीन स्कूल सभी ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, और एक दो बच्चे आते थे यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो भी पास आउट हो गए, तो स्कूल ऑटोमेटिक बंद हो गया।
और फिर टीचर लोग भी चले गए यहाँ से। बट स्कूल अच्छा था, सारी फैसिलिटी थी, बच्चों को खाना टाइम पे मिलता था, पढ़ाई अच्छी होती थी। बट वही है ना, गवर्नमेंट स्कूलों की यही कंडीशन है, कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में। तो अभी हम लोग आ गए नीचे खेत पे यहाँ पे, और मम्मी लोग पीछे घूम रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से आगे का व्यू। नीचे गांव है तसवाल का, और इससे इधर को मंदिर है ना मम्मी के, वो नीचे मंदिर हो गया। और इधर गांव है टाना, ये टाना गांव है ऊपर। इसको देखो ये कितनी मजे मार रहा है, उड़ जा आ जा। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, बादलों के बीच में से सनलाइट निकल रही है। ओए ओए कितना मस्त लग रहा है यार। मम्मी लोग वो नीचे पहुंच चुके हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं। आ जाओ जेगी जल्दी आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब मेरे आगे से बताइयो, ये देखो चलो। यहाँ मडवे के खेत है, इतना ज्यादा मडवा हुआ इनमें। अच्छा ये जुअर का खेत, भाई साहब रास्ता। मम्मी लोग जा रहे हैं। हाँ ये कितना ज्यादा रिस्की रास्ता है, और यहाँ से नीचे वो सिर्फ गिरने का ही है। ये नीचे है टाना का गांव, देखो एक गांव से दूसरा गांव कितना दूर है, पर यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। बीच में पूरी खेती खेत है, और गांव के बीच में भी खेती खेत है, मतलब गांव है जो खेतों के बीच में है और पहाड़ों के नीचे है, जस्ट हमारे घर के आगे। हमारे घर उधर है, इससे इतना दूर है ये वाला गांव। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गांव है, ये बहुत बड़ा गांव है। और इन लोगों को पहले से यहाँ से ऊपर वहाँ टॉप पे जाना पड़ता था सामान लेने के लिए, मतलब ऊपर रोड थी सामान लो या फिर कहीं जाना होता था मार्केट। बट अब इस गांव में रोड आ चुकी है, नीचे रोड है सामने, यहाँ सामने नीचे रोड आ गई है। तो अब इन लोगों के लिए अच्छा हो गया है, और बट अभी हमारे गाँव में रोड नहीं आई है, पता नहीं कब तक आएगी। हमें भी पैदल ही जाना पड़ता है बहुत ज्यादा। मम्मी को यहाँ ककड़ी मिल चुकी है छोटी सी, मम्मी काट रही है, मुझे भी मिलेगा, मिल भी सकता नहीं भी क्योंकि मुझे जुखाम लगा है। ओहो वाह 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 वाह, जिस दिन मेरे पापा आए थे यहाँ पे कद्दू तोड़ने के लिए, उस दिन हम यहाँ पे ककड़ी छोड़ के चले गए। अभी फाइनली ककड़ी हमें मिल चुकी है, हमारी किस्मत में होगी। ये ला रही चाची, लाओ थोड़ा सा देना बस। खेत के ऊपर खेत, खेत के ऊपर खेत, इसको कहते हैं पहाड़ों का सीढ़ीदार खेत। यहाँ मडवा काट रहे हैं, दिखाओ कितने ज्यादा मडवा काट दिया आपने, कट्टा है भर के। देखो एक कट्टा भर दिया उन्होंने, और अभी इसमें भर रखा इतना ज्यादा है। तेरी भी लेनी है फोटो है, ले ऐसे कर। भाभी की मम्मी को मिल गया है मधुमक्खी का छत्ता। अरे बाप रे, वो देखो ये और है अग्नार का पुड़। भाई साहब
भुट्टे के पेड़ लगे हुए हैं। भुट्टा मैं रस्ते पर आ गए, इस रास्ते से गए थे हम लोग, वहां से पता नहीं कहाँ घूम घूम के यहाँ के रास्ते आ गए। हम घर को चलते हैं। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, मम्मी और आंटी जी अभी तक नहीं पहुंचे, मैं दौड़ लगा के आ गई घर को। क्या नाम है आपका? अभिषेक फरियाल। अभिषेक फरियाल, अच्छा और क्या खा रहे हैं आप? बिकुट दिखाना, का बिकुट? अरे वाह। सो गाइस अभी 10:30 हो चुका है और यहाँ पे हमारा डिनर आ गया है। आज मम्मी ने मटर पनीर और रोटी बना रखी है, बाकी घर में सब लोगों ने खा लिया है। मम्मी और पापा खा रहे हैं, यहाँ मम्मी खा रहे हैं, इधर पापा खा। तो बस खाना ना खा के एडिटिंग पे बैठ जाती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।